एंटीमोनियम टार्टारिक हम आज हम बात करते हैं कि ये होम्योपैथिक दवाई फेफड़ों की पैथोलॉजी पर कैसे असरअंदाज होती है और पेचीदा अमराज को ख़त्म करने में अपना कितना अहम रोल अदा करती है। एक होम्योपैथ को इस दवाई पर किस कदर तवज्जो देनी चाहिए, तो चलें एंटीमोनियम टार्टारिक हम की कुछ अलामात पर गौर करते हैं। एक दूध पीने वाला बच्चा अचानक दूध पीना छोड़ देता है और इस तरह रोता है जैसे उसकी सांस बंद हो गई हो। जब उस बच्चे को पकड़कर सीधा किया जाता है तो वो खामोश हो जाता है क्योंकि बच्चा बेहतरी महसूस करता है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में कैपिलरी ब्रोंकाइटिस का आगाज हो सकता है। बच्चे के पूरे सीने में बारीक रेशे वाली म्यूकस खड़खड़ाहट या खड़खड़ाहट पैदा करती रहती है। एंटीमोनियम टार्टारिकम इस सूरत हाल में बीमारी को फेफड़ों की एयर बड्स में ही ख़त्म कर देती है और बच्चे को मुस्तकबिल में आने वाली ज़्यादा तकलीफ से बचा लेती है। याद रखें, एंटीमोनियम टार्टारिकम को फेफड़ों की बीमारी में, खासतौर पर बच्चों में खांसी बंद हो जाए या मर्ज ज़्यादा पेचीदा हो जाए, तो इस वक्त भी ये दवाई बलगम की पैदावार में कमी नहीं आने देती। सीने में बलगम खड़खड़ाने की इस कदर आवाज़ें आती हैं जबकि बच्चा इतनी कसरत से खांसी भी नहीं कर रहा होता। माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये बीमारी या मर्ज में शिद्दत होती है क्योंकि फेफड़े अपनी ताकत खो रहे होते हैं। होम्योपैथिक दवाई को इस्तेमाल करवाते वक्त हमेशा बीमारी और दवाई की पैथोलॉजी को मद्देनज़र रखना चाहिए। जी जनाब होम्योपैथ्स, कैसी लगी इस दवाई के मुतल्लिक मालूमात?